वेलकम फ्रेंड्स, माय बिंता सुपर क्लासेस। आज हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद तथा विभिन्न प्रकार के उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, सो, कौन, क्या, कोई इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। मोहन खेल रहा है, वह खेल रहा है। मोहन जगह वह प्रयोग हो गया तो इसमें वह सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। परिभाषा, जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें, मैं, हम इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। मुझे कल पटना जाना है। उदाहरण में मुझे जो है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाला यानी श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप, तुझे, तुम्हारा, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुझसे, तुमने इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। तुम अपना काम करो। उदाहरण में तुम जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे वे, उसने, यह, ये, इसने, वो इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। वे सब यहाँ से चले गए। उदाहरण में वे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब दूसरा देख लेते हैं, निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, हमें, अपने, आप, अपने, आप, निजी, खुद इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है। उदाहरण मेरी जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी शब्द, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये, वे, यह, वह इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। वे सभी किताबें हैं। उदाहरण में वे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। चौथा नंबर परिभाषा, जिस सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। उस टोकरी में कुछ फल है। उदाहरण में कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वैसी, जैसी, जो, सो, जिसने, जहां, वहां, जिसकी इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं। जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अंतिम देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से प्रश्न का ज्ञान या बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कैसे, क्यों, क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको,
किस लिए, कहाँ इत्यादि। उदाहरण देख लेते हैं, राम का वध किसने किया, इसमें किसने प्रश्नवाचक उदाहरण का उदाहरण देख लेते हैं, राम का वध किसने किया, इस उदाहरण में किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।